आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो स्टूडेंट, क्वेश्चन करेंगे ऑन द सरफेस ऑफ पॉलर स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड्स हाइड्रोलिसिस अगर हम कराते हैं क्लोरीन नाइट्रेट का गिव्स ए एंड बी व्हाइल एचसीएल प्रोड्यूसेस बी एंड सी। सो आपको यहां पर ए बी एंड सी रिस्पेक्टिवली बताना है कि क्या होगा। सो देखो बेसिकली वो क्या रहा है, हाइड्रोलिसिस करा रहे क्लोरीन नाइट्रेट, क्लोरीन नाइट्रेट होता है दिस, राइट। हाइड्रोलिसिस है फर्स्ट केस में, मतलब वाटर की प्रेजेंस में। सो आपको ए और बी मिलता है, सो वो होता है एचओसीएल प्लस एचएनओ3, राइट। सो ए है आपके पास एचओसीएल, बी है आपके पास देखो HNO3। देखो अभी आप अगर आपको नहीं भी समझ में आ रहा कि कौन सा हमें ए लेना चाहिए वो बी, सो आप देखोगे कि अगर हम सेम इस कंपाउंड का कराते हैं रिएक्शन HCl के साथ, सो मुझे मिलता है Cl2 प्लस HNO3, राइट। सो इन दोनों के बीच में एक कॉमन प्रोडक्ट था, दैट इज योर बी। सो मतलब बी आपका डेफिनेटली HNO3 ही है, राइट। सो ये आपका क्या सी हो जाएगा। सो हमसे ए बी सी पूछा गया तो क्या होगा, सो ए हो गया HOCl, बी हो गया HNO3 और Cl2 क्या हो गया आपका सी। सो मतलब ऑप्शन 1 करेक्ट होगा। सो आपको जस्ट ये दो रिएक्शंस आपको बतानी चाहिए थी। सो दिस इज योर आंसर। थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE, मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400400400 पर।